फिल्म देखती है बेटा 3 घंटे की 2.5 घंटे की, 2 घंटा 50 मिनट की फिल्म हीरो की नहीं होती, खलनायक की होती है। वो शहर पे कब्जा करता है, लोगों को परेशान करता है, अपहरण करता है, बलात्कार करता है, लोगों का खून चूसता है। अचानक किसी झोंपड़ी से किसी माँ का लाल पैदा होता है और आखिरी सीन में मार मार के उसका भुस बनाता है, पूरा देश ताली बजाता है। तो याद रखो, रावणों की लंका 100 साल चले या 200 साल चले, एक ना एक दिन किसी कौशल्या के बेटे को घर से निकलना है और रावण की लंका में आग लगानी है, ये तय बात है। पहला ही प्रश्न योगिता सानलुके, जीवन में जब भी अवसर मिले तो सत्य और सफलता में से किसे चुनना चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार झूठों को जीतते हुए देखा है। बेटा मैंने भी देखा है, तूने तो एक बार ही देखा, मैंने कई बार देखा है। 21 साल की बिटिया है ये। क्या सिर्फ मंजिल महत्वपूर्ण है या रास्ता भी, आपका राम क्या कहता है? ये जो सानलुके है इसको 2 दिन में जो सुना इसने और आज जो सुनेगी, मैं आशा करता हूँ कि इसके जीवन में वही प्रकाश जलेगा जो राम को सुनने के बाद चलता है। ये तो महाराष्ट्र है और ये पुणे है जहाँ बाबा तिलक ने बताया है कि बंधन में होना बाध्य होना नहीं है। अंग्रेजों ने उनका शरीर मांडले जेल में बंद कर दिया, लेकिन अंग्रेज उनकी चेतना नहीं रोक पाए। श्रीमद् भागवत गीता पर जो बाबा तिलक ने भाष्य लिख दिया, बड़े से बड़े विद्वान भी ऐसा भाष्य नहीं लिख पाएंगे जो उन्होंने जेल में रहकर लिख दिया। राम का पूरा जीवन यही सिखाता है कि यदि साधन पवित्र नहीं है तो साध्य पवित्र हो ही नहीं सकता। हम अक्सर इस समस्या से जूझते हैं, मैं भी जूझा हूं, अब तो उहापोह मिट गई, पिछले 10 वर्ष से मिट गई। कबीर कहते ना, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं ना है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माँ है। कहाँ का दीपक? अंदर का। इसने तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धर। कहाँ पर धर उस राम के नाम के दीपक को? जबान पर, जिससे क्या होगा? अंदर बाहर दोनों तरफ उजियारा आएगा, अंदर भी उजियारा जाएगा, बाहर भी उजियारा जाएगा। तो साध्य अगर पवित्र नहीं है तो साधन तो पवित्र होगा ही, लेकिन साध्य को पवित्र रखना है तो साधन को भी पवित्र रखना पड़ेगा। कई बार ऐसा लगता है कि लोग जीत गए हैं, इसने अच्छी बात क्या कही, लड़की ने, आपका राम क्या कहता है? आपका राम कहने में इसको यह तो पता है कि इसके अंदर भी एक राम है, और मैं तो पूरे विश्व में बोलता ही फिर रहा हूं कि अपने अपने राम, तेरे अपने राम, मेरे अपने राम, एक राम राजा का बेटा, एक राम अंतर में बैठा, और दोनों ही राम सत्य हैं। जो राम को मान रहे हैं वे भी सत्य हैं, जो कह रहे हैं राम का नाम सत्य नहीं है वो आज नहीं मानेंगे, जब मुंद जाएगी अंतिम बार तब मानेंगे, क्योंकि पूरा गांव उनके पीछे कह रहा होगा कि राम का नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है। दुर्भाग्य यह है कि वो जीते जी नहीं मान पाएंगे कि राम का नाम सत्य है। राम कथा यही सिखाती है कि साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। राजनीति और शक्ति हो वो बड़ी फिसलाती है। हमारे एक कवि थे, बाल कवि बैरागी, बैरागी जी बहुत बड़े कवि थे, मंत्री रहे कांग्रेस में, 2 बार सांसद रहे, 3 बार विधायक रहे, ऐतिहासिक चुनाव हारे 4 वोट से एक बार लोकसभा का, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। लोग कहते हैं कि अगर जीत जाते तो बहुत बड़े और आगे जाते, लेकिन कवि, अद्भुत कवि, दिनकर जी के बाद के वीररस के सबसे बड़े कवि, कविताएं लिखते थे। पहली बार विधायक बने और मंत्री बन गए, इस चीज के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री।
तो कादम्बिनी के संपादक राजेंद्र माथुर ने उनको चिट्ठी लिखी कि मंत्री जी, अंदर कवि शेष रह गया हो तो एक कविता भेज देना। अब ये ताना था, एक राजनेता जिसने कविता का पथ छोड़कर शुक्र का पथ इस्तेमाल किया है। आप जानते हैं ज्योतिष में शुक्र राजनीति की दशा है। उन्होंने उत्तर में खत लिखकर भेज दिया। उन्होंने लिखा कि एक बार फिर जीवन का रथ मुड़ा शुक्र के पथ पर, राजनीति ने डोरे डाले फिर लेखन के व्रत पर। और ये बात आगे बैठे राजनेता समझते होंगे, मैंने भी भोगा है उसे। लक्ष्मण रेखा बड़ी क्षीण है, बड़ी क्रूर है काई, कदम कदम पर फिसलाती है रेशम सी चिकनाई। अंदर का जो अपसंस्कार है वो आपको बहुत प्रेरित करता है। अब तय होता है कि ये संबोधित कैसे हो। ये संबोधित होता है आपके संस्कार से, आपके परिवार से, आपके स्वाध्याय से और आपके सत्संग से। हमारे साथ जो सब लोग थे सब चोरी वोरी में फंस गए बेचारे, हम बच गए। किसी ने हमसे पूछा आप कैसे बच गए, आपने भी बड़ा पूरा सब आपके ही पीछे था। मैं चौथी क्लास में था तो मेरे यहाँ 80 के दशक की बात है, जो पुराने लोग होंगे उनको याद आ जाएगा, एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था मैं, और रबड़ जो थी वो नटराज की आती थी 10 पैसे की। कुछ याद है कुछ लोगों को नटराज की, और नटराज की पेंसिल आती थी वो भी शायद 10-15 पैसे की आती थी। तभी तभी एक नए प्रकार की रबड़ आई जो बहुत महंगी थी, 5-10 रुपए की थी। वो किसी करैक्टर के पेट में होती थी, है ना, ऊंट के पेट में, शेर के पेट में, खोलो फिर रबड़ निकलती थी, महंगी थी वो। तो मुझे बहुत भाई, उस रबड़ में खुशबू भी थी, सेंट अलावा होता था, याद है। तो मेरा बड़ा मन कि ये रबड़ मुझे मिल जाए। बच्चा था मैं, सबसे छोटा, 5 भाई बहनों में सबका दुलारा, और बोलता बहुत था, कविताएं याद रहती थी, तो मोहल्ला, परिवार, रिश्तेदार, स्कूल सब में वंदना में खड़े हो जाओ, तुम कविता सुनाओ। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि ये रबड़ मुझे दिला दो, क्योंकि पिता से तो कह ही नहीं सकते थे। आप बोल के देख लो, माँ, माँ में मुंह खुल जाता है, माँ, बाप में बंद हो जाता है, बाप। यानी कि जिसके सामने आवाज खुल जाए वो माँ, और जिसके सामने आवाज बंद हो जाए वो। तो मैंने माँ से कहा कि मुझे रबड़ दिला दो। माँ ने मेरे भाई से कहा, कौन सी रबड़ मांग रहा है, रो रहा है। देखो, वो सामने स्टेशनरी की दुकान पे गया, बोला माँ वो तो 10 रुपए की है। उन दिनों दूध आता था 1 रुपए लीटर, देसी घी आता था 21 रुपए का, मुझे याद है। तो मेरी माँ ने कहा, नहीं नहीं नहीं, 1/2 किलो घी खिलाऊंगी, रबड़ क्यों दिलाऊं। रबड़ नहीं मिली, मन में लोभ आ गया। मेरे साथ एक बच्चा पढ़ता था, वो शहर के सबसे धनाढ्य सेठ जी का बेटा था, मेरा दोस्त था, थोड़ा कम पढ़ता था, सेठ जी का था तो कम ही पढ़ता, मेरी किताब विताब ले लेता था, मुझसे पूछ लेता था, उसे सब सुविधाएं उपलब्ध थी, वो प्रीमियर पद्मिनी एक गाड़ी होती थी उससे स्कूल आता था। और हम अपना बस्ता लेके पैदल मार्च, दाएं से आगे बाएं मुड़ेगा। तो उसके 2-3 रबड़ उसने खरीदी थी, तो मैंने उसकी एक रबड़ चुरा ली। मुझे आज भी याद है, वो एक गेंडा था, गेंडा, उसके पेट में वो रबड़ थी। मैं ले आया, शाम को होमवर्क करने बैठा तो मेरी माँ बैठती थी हम सब बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो खुद तो 11वीं पास है मेरी माँ, बट ना अनुशासन पता है कि वो बैठी रहेंगी तो ये पढ़ेंगे, इसलिए चाहे किताब खोले रहे लेकिन बैठा रहे। वो जो अनवरत अध्ययन का संस्कार बचपन में डाला, वो आज भी इस हालत में है कि बिना 30-40 पेज पढ़े नींद नहीं आती है, जब तक किताब ना पढ़ लें, तभी का संस्कार। माँ ने रबड़ देखी, माँ ने पूछा रबड़ कहाँ से मिली, तो चतुराई आगे आई। जब लालच आता है तो लालच को जस्टिफाई करने के लिए कुतर्क आता है।
ये जितनी भी बात चल रही है अयोध्या के खिलाफ, राम के खिलाफ, जो बोल रहे हैं पता उन्हें भी है कि राम इस देश के मन प्राण में बसा हुआ है, लेकिन अब एक बार बोल दिया है तो कुतर्क कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, जनता भी समझ रही है। तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि रबड़ कैसे मिली, तो मैंने कहा कि जब मैं स्कूल से आ रहा था तो रास्ते में पड़ी मिली, खोया पाया सामान तो किसी का भी हो सकता है, किससे पूछूंगा इस 500 बच्चों के स्कूल में। तो मेरी माँ ने कहा ठीक। मैं रात्रि में अपनी माँ के पास सोता था, क्योंकि तीसरी चौथी क्लास में था तो समझ लीजिए 8-9 साल का रहा हूँगा। आजकल का समय नहीं था कि बच्चा 15 साल का हो गया LKG में जा रहा है, आजकल तो प्री फिर UKG LKG फला पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि उठो यहाँ से, अपनी चद्दर उठाओ और वो भाइयों के कमरे में जाके सो। मैंने पूछा क्यों, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं रुआसा हो गया, वो रबड़ जिसकी लेके आए हो ना, कल उसकी रबड़ दे आना, फिर मेरे पास आके सोना। मैं अगले दिन रबड़ ले दे आया, वो बच्चा वहाँ पढ़ने बैठा, मैंने नीचे रबड़ गिराई और मैंने उसे कहा अरे गौरव तेरी रबड़ गिर गई, वो बोला अरे मैं तो ढूंढ ही रहा था यार कहाँ चली गई, उसने रबड़ ले ली। अगर उस दिन मेरी माँ ने मेरे रबड़ चुराने के अपराध को जस्टिफाई कर लिया होता कि कमाल आया, तो आज मैं भी वहीं होता जहाँ वहाँ बैठे हूँ मैं सारे के सारे, वहीं मैं भी। तो साध्य और साधन की शुचिता ये राम की कहानी सिखाती है। ये बिटिया जो सालुक है इसने पूछा है आपका राम क्या कहता है, मैंने झूठे लोगों को जीतते हुए देखा है। फिल्म देखती है बेटा 3 घंटे की 2.5 घंटे की, 2 घंटा 50 मिनट की फिल्म हीरो की नहीं होती, खलनायक की होती है। वो शहर पे कब्जा करता है, लोगों को परेशान करता है, अपहरण करता है, बलात्कार करता है, लोगों का खून चूसता है, अचानक किसी झोंपड़ी से किसी माँ का लाल पैदा होता है और आखिरी सीन में मार मार के उसका भुस बनाता है, पूरा देश ताली बजाता है। तो याद रखो रावणों की लंका 100 साल चले या 200 साल चले, एक ना एक दिन किसी कौशल्या के बेटे को घर से निकलना है और रावण की लंका में आग लगानी है, ये तय बात है। समय की प्रतीक्षा है, रामकथा ने तो सुनाया ही है। इस बिटिया ने पूछा है कि सत्य को चुनू कि असत्य को चुनू। बाली और सुग्रीव में चुनने के समय राम के मानस में यही सवाल आया होगा, बाली को चुनने तो अभी काम हो जाएगा, रावण को परास्त करना 2 मिनट का काम है, क्योंकि बाली 3 बार रावण को परास्त कर चुका है, सुग्रीव को तो पता भी नहीं है रावण कैसा दिखता है, बाली तो मार लगा चुका है, बाली ने तो पीटने के बाद उसकी पोटली बनाई, यहां दबाई और 7 सागरों के चक्कर लगाए, लेकिन राम ने बाली को नहीं चुना, क्योंकि बाली खल पात्र है, उसने अनुज वधु के साथ दुराचार किया है, इसलिए राम ने सुग्रीव को चुना। जबकि राम के प्राण संकट में है, उनकी प्रिया उनकी पत्नी भगवती सीता रावण के बंधन में है, अभी बाली से मदद मिल जाए अभी काम हो जाएगा, मुश्किल लगता है लेकिन अंततः काल के शिलालेख में वही लोग याद रखे जाते हैं जिन्होंने अच्छे साध्य के लिए अच्छे साधन का उपयोग किया। जिस परम पराक्रमी महान विभूति के चरणों में मैंने साष्टांग किया है, जिनकी प्रतिमा इस मंच पर आशीर्वाद की मुद्रा में है, वे छत्रपति महाराज शिवाजी इस बात के प्रतीक हैं। आज जब मैं शिव केंद्र में गया, शिव शक्ति केंद्र में, तो वहां मैंने महाराज शिवाजी का एक 20 मिनट का भाषण सुना। उन्होंने कहा 300 वर्ष हो गए इन सुल्तानों को मराठवाड़ा को लूटते हुए, अपकर्म करते हुए, मुझे इस बात का सुख कम है कि मैंने मुक्ति दिला ली, मुझे इस बात का दुख ज्यादा है कि 300 वर्षों तक हमने सहा क्यों। महाराज शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, या एक छोटी सी रियासत की रानी
जिसने अपने वैधव्य में अपने नवजात शिशु को पीठ के कंधे से बांधा और अपने अश्व की वलगाएं अपने दोनों दांतों में दबाकर कहा, जब तक लहू की अंतिम बूंद प्राणों में शेष है, अंग्रेजों की औकात नहीं कि मेरी झांसी पर कब्जा कर सके। एक बात सारी कथाएं कहती हैं, जो इस बिटिया को आपका उत्तर के रूप में पहुंचेगी, युद्धों में इतिहास इस बात से नहीं लिखे जाते कि जीत किसको मिली, युद्ध के इतिहास में प्रासंगिकता इस बात की होती है कि गोली छाती पर खाई के पीठ पर खाई। यह राम जी का प्रसंग है और मुझे महाभारत याद आ गई। दो तीन दिन से कृष्ण बहुत अधिक घूम रहे हैं कथा में। जीवन भर कर्ण ने इस बात का संकल्प लिया कि एक दिन अर्जुन को मारना है, जीवन भर यही सोचा। अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान को हराया वर्ल्ड कप में, हमें ऐसे प्रसन्नता हुई जैसे हम वर्ल्ड कप जीत गए हों। क्यों हुई? क्योंकि पाकिस्तान अहंकारी देश है, वो अफगानिस्तान को अपमानित करता रहता है। एक छोटे से साधनहीन देश के बच्चों ने भारतीय खिलाड़ियों से प्रेरणा ली, कोचिंग ली और अपने गुरुओं के देश में अपने शत्रु को अपमानित करके हराया, इस बात की प्रसन्नता पूरे देश ने मनाई। कारण इस कहानी में अफगानिस्तान है। वो जीवन भर सोचता था कि मेरे अपमान का कारण ये अर्जुन है, अगर आज अर्जुन ना होता तो मैं द्रोणाचार्य का शिष्य होता, अगर आज अर्जुन ना होता तो विश्व मुझे नंबर वन का धनुर्धर मानता। और जब माता कुंती युद्ध से पहले दिन कर्ण सेनापति बना, रात्रि में चुपचाप उसके शिविर में गई और उससे कहा, बेटा मैं तुझे बताने आई हूं कि मैं तेरी माँ हूं। कर्ण तो जानता ही था, कर्ण को बता चुके थे श्री कृष्ण। तो उसने कहा कि आपने बता दिया तो ठीक है, अन्यथा मुझे पता था। तो उन्होंने कहा, मैं तुझसे कुछ मांगने आई हूं। कर्ण ने कहा कि ठीक है, आप भी मांग लो, मैं तो सोचता था कि मैं दानी हूं, पूरी दुनिया मांगती है, कभी वो दिन आएगा कि मेरी माँ आएगी तो मैं मांगूंगा, पर चलो मैं इतना अभागा हूं कि माँ भी मांगने आई है तो माँ को भी दे दूंगा, मांगो क्या मांगती हो। माँ ने कहा, तू अपने भाइयों को मत मारना। कर्ण ने कहा, ये वादा नहीं कर सकता, पर एक वादा करता हूं, दुनिया के लिए तुम 5 पुत्रों की माँ हो, महाभारत के बबाद भी, युद्ध के बाद भी तुम 5 पुत्रों की मां रहोगी। अगर 4 बेटे आपके मेरे सामने आए तो मैं उन्हें मारूंगा नहीं, पराजित करके छोड़ दूंगा, लेकिन अर्जुन आया तो उसका वध करूंगा, लेकिन वध करते ही अपने शस्त्र छोड़ दूंगा और पूरी दुनिया को कहूंगा कि कुंती मेरी मां है, तब भी आपके 5 बेटे रहेंगे, अब भी आपके 5 बेटे हैं। युद्ध ऐसे समय में आकर खड़ा हो गया जहां कर्ण और अर्जुन आमने सामने आ गए। घंटों युद्ध चला, न वो कम न ये कम। कई बार बैडमिंटन में आप देखते हैं ना, रैली कहते हैं उसे, रैली चलती है, आदमी की गर्दन दुख जाती इधर 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 उधर, और जब बाद में कहीं जाके शटल गिरती है तो पूरा स्टेडियम शोर मचाता है। वहां कवि दिनकर ने इसका वर्णन किया, जब खांडव प्रस्थ से जंगल से अर्जुन अपनी मां को और भाइयों को लेकर आ रहे थे तो रास्ते में एक सर्पणी दिखाई दी थी, एक सांप दिखाई दिया। कुंती सबसे आगे थी, बेटे माओं को लेकर और भाई बहनों को लेकर प्रोटेक्टिव होते हैं थोड़े, तो अर्जुन ने आगे बढ़ के उस सर्पणी को उठाया और उसको आग में फेंक दिया ताकि किसी को काट ना पाए। जब उसने फेंका तो उसी समय सर्पणी को प्रसव हुआ आकाश में, हवा में, और एक बच्चा उस अंडे से फूट के नीचे गिरा, एक नया सांप। उस सांप का नाम था अश्वसेन। उसने जीवन में पहली बार पैदा होते ही 2 दृश्य देखे, एक दृश्य ये कि मेरी मां का शरीर आग में जा रहा है,
और दूसरा दृश्य ये कि मेरे माँ की पूंछ जो है एक आदमी के हाथ में थी और उसने पता करा बाद में बड़ा होकर कि वो व्यक्ति कौन है, तो लोगों ने बताया कि वो अर्जुन था। पूरे जीवन अश्वसेन ने दुनिया भर के बड़े सांपों की सेवा करके जहर इकट्ठा किया और उसके जीवन का एक ही उद्देश्य रहा कि बस एक बार अर्जुन को डसना है। अमिताभ जी की एक फिल्म थी दीवार, उसमें एक बिल्डिंग अमिताभ बच्चन खरीदते हैं बहुत पैसे वाले होकर, और जितने की बिल्डिंग है उससे दुगने पैसे में खरीदते हैं। तो बेचने वाला कहता है कि एक बात कहूंगा, आपने पैसा कमा लिया पर आपको व्यापार करना नहीं आया, मैं इससे आधी कीमत में दे सकता था। तो उसमें करेक्टर कहता है, आपको बेचना नहीं आया, मैं इससे दुगनी में भी खरीदता, क्योंकि इस बिल्डिंग को बनाने में मेरी माँ ने ईंट ढोई है, मैं उसकी अपनी माँ का सम्मान खरीद रहा हूँ, श्रम खरीद रहा हूँ। हम सब ऐसा करते हैं, बचपन में जो हमारे पास नहीं था हम सब चाहते हैं कि सामर्थ्य आ जाए तो हम वो चीजें खरीद लें। अश्वसेन के मन में भी यही बात थी, एक दिन अर्जुन मिले तो अर्जुन को काटूं। अब युद्ध चल रहा है महाभारत में, या तो अर्जुन बचेगा या कर्ण बचेगा। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग। युद्ध चल रहा है, कर्ण और अर्जुन लड़ रहे हैं, दोनों के रथ आमने सामने हैं, बीच में आग जली हुई है, चूंकि अलग अलग तरीके के गोले बारूद हैं। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग। फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग, बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग। बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। गत्वर गह रही सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौन्तेय कर्ण क्षण क्षण करके गर्जन गभीर। दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विशिक वृष्टि हो रही व्यर्थ। कोई ना हार रहा है ना कोई जीत रहा है, कृष्ण भी परेशान है, मामा शल्य जो कर्ण का रथ चलाते हैं वो भी परेशान है। अचानक कर्ण ने अपने तरकश में तीर निकालने के लिए हाथ डाला और जैसे ही तीर निकाला, तीर के ऊपर एक सांप लपटा हुआ आया। उसने बाहर निकलकर कहा, कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन, ओ कर्ण मेरा नाम अश्वसेन है, मैं दुनिया के सबसे जहरीले सांपों से भी ज्यादा जहरीला हूं, और आज तेरा और मेरा दुश्मन एक है, तुझे लड़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं आग को पार नहीं कर सकता, तू बस इतना कर इसी तीर पर मुझे लपेट कर अर्जुन के रथ पर फेंक दे और फिर लड़ने लग। अर्जुन तुझसे लड़ रहा होगा, मैं पीछे से जाके उसे काटूंगा, वो मर जाएगा, मेरा भी बदला पूरा हो गया, तेरा भी बदला पूरा हो गया। ये जो बिटिया है सालुखे, बेटा तू इसकी जगह होती तो क्या करती, कि चलो काम निपटे, एक ही मामले में दोनों काम सेट हो रहे हैं, इसका भी दुश्मन खलास, ये तो बोलते ना मराठी में खलास, और अपना भी दुश्मन खलास। नहीं, दुश्मन तो खलास हो जाता बेटा, पर दुश्मन के साथ साथ आत्मा भी खलास हो जाती। अश्वसेन ने कहा, मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंग का स्वामी हूं, जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविध हितकामी हूं, बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ शरव्य तक जाने दे, उस महाशत्रु को अभी तुरंत चंदन में मुझे सुलाने दे, कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। अब कर्ण के उत्तर पर झूम जाइए, राधे ये जरा हंसकर बोला, राधा का लड़का, राधे ये जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है,
नरका समस्त साधन जय का अपनी बाहों में रहता है। तेरी सहायता से ये चरित्र है कर्ण का, जो मैं राम के मंच पर कर्ण को याद कर रहा हूं, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को पर क्या मुंह दिखलाऊंगा। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को पर क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने क्षार किया, प्रतिभट के वध के लिए नीच ने सर्पों का सहाय लिया। कर्ण ने कहा अरे ओ अश्वसेन, रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। ये नरभुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। अंदर राम पालना है या रावण पालना है ये आपके ऊपर है, इसलिए मुझे लगता है कि इस बिटिया को उत्तर तो मिल गया होगा। जहां तक इसने ये बात कही कि सत्य के साथ रहने में चिंता बहुत होती है कि क्या करें, ये पुलिस के अधिकारी बैठे हैं, मैंने 10 साल जीवन का ऐसा जिया है जो रोज इनसे सत्संग हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ईश्वर के ऊपर जो भरोसा था उसके कारण इस सदगति में हूं, आज जहां हूं। तो इस बिटिया से केवल इतना कहना है, तू अपना काम कर जो करती हो, 20-21 साल की लड़की है, आज रात के जाने के बाद मन के साथ काम कर, और एक बात सोच बस, इनका विग्रह देख भगवान का और बोल कि मैंने अपना सिर आपके चरणों में रख दिया, अब सारी चिंताएं आपकी, सारा कष्ट आपका, मेरा केवल श्रम का काम रहा।